गुड मॉर्निंग टू ऑल. क्लास फर्स्ट ईवीएस. ईवीएस में बेटा 5 चैप्टर है जो ये मैं आपको करा चुकी हूँ, बट दोबारा से मैं इसको रिवाइज कराऊंगी ताकि आप भूलें ना. चैप्टर का नाम अवर स्वीट होम, हमारा प्यारा घर. ठीक है. वी लिव इन अ हाउस. अवर हाउस इज अवर शेल्टर. वी फील सेफ इन अवर हाउस. वी डू मैनी थिंग्स इन अवर हाउस. हम अपने घर में रहते हैं और जो हमारा घर है वो एक आश्रय की तरह है. और हम अपने घर में कैसा महसूस करते हैं? सेफ, सावधानी सा. ठीक है. वी डू मैनी थिंग्स इन आवर हाउस. हम अपने घर में काफ़ी सारी चीज़ें भी हम रखते हैं. देखो पिक्चर में देखो, पढ़ रहे हो पढ़ने का सामान है, सो रहे हो बेड है, टीवी है, सोफ़ा है, खाना खाने के लिए टेबल है. देखिए सारी चीज़ें मैनी थिंग्स हैं. ठीक है. सम हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड स्टो. दे आर कच्चा हाउस. हम कुछ मकान मिट्टी के, ईंट के, पत्थर के या पक्के भी होते हैं, कुछ कच्चे भी होते हैं. आई लिव इन अ कच्चा हाउस. ये कह रहा है कि मैं एक कच्चे हाउस में रहता हूँ. ये हाउस है, मैं कच्चे हाउस में रहता हूँ. सम हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स. जो पक्के हाउस होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जो सीमेंट और ब्रिक्स से बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पक्का हाउस. तो ये लड़की कहती है कि आई लिव इन अ पक्का हाउस, मैं पक्के घर में रहती हूँ. आजकल हम पक्के घर में रहते, सीमेंट वाले में रहते हैं ना. गांव में अभी भी मिलेंगे आपको कच्चे हाउस. ओके बेटा. रूम्स इन अ हाउस. अ कंफर्टेबल हाउस हैज डिफरेंट रूम्स फ्रॉम फॉर डिफरेंट पर्पस. हमारे जो रूम होते हैं कंफर्टेबल तो होती हैं, बट जैसे किचन है तो किचन के लिए अलग सेपरेट है, और बेडरूम है बेडरूम के लिए. देखो यहाँ पे डाइनिंग रूम के लिए अलग रूम होता है, खाना खाने के लिए पूरा एक बेडरूम सोने के लिए होता है, किचन अलग होती है, स्टडी रूम अलग होता है, बाथरूम टू टेक बाथ ये अलग होता है, जैसे ड्राइंग रूम है. ये मतलब सब चीज़ों के लिए अलग अलग रूम होते हैं पर्टिकुलर. ठीक है. इसलिए हमें अपने घर में कंफर्टेबल लगता है और हम सेफ भी महसूस करते हैं. ठीक है. ये बेटा आपको फ्लफ्स भी सारे चैप्टर पूरा रिवाइज करके पूरे क्वेश्चन आंसर सब लर्न करने हैं. वी फील इन अ हाउस. हम कहाँ पर रहते हैं? घर में. वी लिव इन अ हाउस, घर में रहते हैं. वी फील डैश इन अवर हाउस. वी फील, कहाँ पर हम फील करते हैं अपना सेफ? घर में क्या महसूस करते हैं? सेफ. अवर हाउस इज अवर शेल्टर. हमारा घर क्या है? एक आश्रय. वी टेक बाथ इन अ बाथरूम. हम जब नहाते हैं तो किस में नहाते हैं? बाथरूम में नहाते हैं ना. ठीक है. अ हट इज अ कच्चा हाउस. जो हट की शेप में घर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस. वी कुक फूड इन अ किचन. खाना कहाँ बनाते हैं? किचन के अंदर. वी नीड अ हाउस टू लिव इन अ, यस सही है. वी टेक बाथ इन अ ड्राइंग रूम. नो, हम बाथ हमेशा कहाँ करते हैं? बाथरूम में. ठीक है. वी टेक बाथ इन अ बाथरूम, ये गलत आएगा, रोंग आएगा इधर. ठीक है, देखो रोंग है. नेक्स्ट, वी स्लीप इन अ बेडरूम, सही. हम बेडरूम में सोते हैं, सो सकते हैं ना. अ हट इज मेड ऑफ स्ट्रो एंड मड, यस. जो हट होती है वो हमारी मड, मतलब ईंट मिट्टी से बनी होती है ना, तो कच्चा होता है. ठीक है. ओके बेटा. अ हट इज अ मेड ऑफ स्ट्रो एंड मड. ये आपको सारा रिवाइज करना है, चैप्टर पूरा दोबारा से रिवाइज करोगे तभी आपको ये अच्छे से आएगा. ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.